गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। जल्द ही आपको आलिया भट्ट नए अवतार में नजर आएंगी, जहां वो एक माफिया का किरदार निभाती दिखेंगी। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं और इस फिल्म की लीड रोल में आलिया भट्ट हैं। इस फिल्म का नाम है गूंगबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट की इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे लगातार देखा जा रहा है और उसकी वजह है इसके दमदार डायलॉग और आलिया का धमक भरा अंदाज। देखकर हर कोई उनकी तारीफ भी कर रहा है। दरअसल ये पूरी फिल्म एक असली कहानी पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए असली गूंगबाई काठियावाड़ी के बारे में। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मुंबई की माफिया क्वीन, जिससे डरते थे बड़े बड़े डॉन। दरअसल आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गूंगबाई काठियावाड़ी सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। एक ऐसी लेडी माफिया की कहानी जिससे बड़े से बड़ा डॉन डरता था। दरअसल फिल्म की कहानी मुंबई माफिया की क्वीन कही जाने वाली गूंगबाई कोठेवाली की असल कहानी पर आधारित है, जिसे लोग गूंगबाई काठियावाड़ी भी बुलाते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गूंगबाई ऐसा नाम रहा जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े बड़े गैंगस्टर भी कदम नहीं रखते थे। यही नहीं, वो सेक्स वर्कर्स के हित में भी काम करती थी। गूंगबाई का कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजाद मैदान में उसके भाषण को 60 के दशक में हर बड़े अखबार ने जगह दी थी। गूंगबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था और वो गुजरात के काठियावाड़ा की रहने वाली थी। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माता पिता ने पालन पोषण भी बड़े लाड़ प्यार से किया, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वो इंसान गलत था। शायद गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट से मोहब्बत हुई थी और उसका नाम रमनिक लाल था। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी पाना था, इसलिए वो रमनिक के साथ भागकर मुंबई आ गई। तो उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि गंगा मुंबई के चकाचौंध में खुद को संभाल पाती, उसके दरिंदे पति रमनिक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाठीपुरा के एक वेश्याले को बेच दिया। वहां हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोज रोती थी, बिलखती थी। मुंबई के टाउन का मिला सहारा, करीम लाला ने बनाया बहन। दरअसल 60 के दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार करीम लाला के एक गुंडे की नजर गंगा पर पड़ी। उस वैश्य ने गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन भी मान लिया। इस घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गूंगबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गूंगबाई का कद बढ़ चुका था। वो कमाठीपुरा की कोठी वाली गूंगबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गूंगबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गूंगबाई का काम था, लेकिन वो नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वो गूंग माँ थी। बताया जाता है कि गूंगबाई ने अपने वेश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गूंगबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गूंगबाई से डरते थे माफिया। गूंगबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गूंगबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया बल्कि वो अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। गूंगबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था कि बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गूंगबाई की थी। गूंगबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गूंगबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। हुसैन जैदी की किताब में यहां तक जिक्र किया गया है कि गूंगबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म गूंगबाई काठियावाड़ी मशहूर लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है।